गाइस नहीं होता, हेलो फ्रेंड्स होता है। मुझे भी आज ही पता लगा है, मुझे कमेंट आया था रीना सिद्धू जी का, कहते नॉट हे गाइस से हेलो फ्रेंड्स। ओके हेलो फ्रेंड्स। वाह देखो गलती कितनी जल्दी सुधार लेती है ना मेरी बहन शिखा। एक और गलती हुई हमसे। क्या? ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ। इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आए ना, यही आए हैं कि आप गणपति दर्शन पर बिल्लो एंटी को साथ क्यों नहीं लेकर गए। मैंने तो एक भी कमेंट नहीं देखा ऐसा। इसका मतलब तो मेरा यूट्यूब देखती नहीं है। समझ गया, बड़ा समझदार बंदा है। ऐसा करते हैं, मम्मा के पास जाते हैं और मम्मा ही बताते हैं कि हम उनको क्यों नहीं लेकर गए थे। पर अभी हमारे सरबजीत चीमा जी का पंजाबी सिंगर है जो उनका एक गाना आया है और उनके साथ उनके बेटे ने भी गाया है, गुरवर चीमा। शिखा तो सोच, जब चीमा भाई ने अकेले ने गाया था तो इतनी एनर्जी थी सॉन्ग पे, तब एक चीमा जी थे, अब दो दो चीमा हैं। अब डबल एनर्जी हो गई। तो वो गाना शिखा कैसे सुना? तेरे लक दा हुलारा रंग रारा री री रारा रारा री री रारा, तेरे पीछे दीवाना बॉलीवुड भी है सा, तेरे लक दा हुलारा तेरी अख दा इशारा, तेरा हुस्न कवारा सानू लगदा प्यारा। ये गाने में बहुत एनर्जी है, सरबजीत चीमा जी ने गाया, आपको तो पता ही है उनकी एनर्जी लेवल कितना है। शिखा को मैंने ये गाना गाने से पहले 24 कप कॉफी के पिलाए, एनर्जी आ जाए, फिर भी सुस्ती है अभी भी तुझ में। मैंने कभी तो तारीफ कर दिया, अगर मान लिया मैंने मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, सर में बहुत ज्यादा है। अगर आप वो एनर्जी वाला गाना रियल में सुनना चाहते हो तो मैं उस गाने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये डीजे वाला सॉन्ग है और धूम मचाओ यार, पार्टी सॉन्ग है पार्टी। तो आ जाओ फिर मामा। हाय। ये है हमारी मामा जिसको मिले हमें बहुत टाइम हो गया, पूरे 5 मिनट। 5 मिनट दूर नहीं रहते मामा से। 5 मिनट कब हुए? 6 मिनट हुए। चलो यार उठ जाओ, बहुत कॉमेडी करते हैं ये। इसको बोलते हैं पंच पे सरपंच। तो आप कहते हो हमारी मम्मा बोले बोले हैं, ये आपको किस तरह से बोले लगते हैं मुझे बताना। प्यार करते हैं बेटे, मेरी भावना को जानते हैं वो। तो मम्मा आज अपनी भावना के जरिए ना उनको ये भी बता दो, हमें YouTube पे जो लास्ट वीडियो में हम गए थे ना कृष्णा भैया के घर गणपति पर, तो उसकी वीडियो के नीचे कमेंट पता क्या क्या आए हैं। ये सुनो, ये कोमल नीरज जी कहते हैं भाई मम्मा को भी लेकर जाया करो, ठीक है। फिर विजय लक्ष्मी जी कहते हैं उनको भी गणपति दर्शन के लिए ले जाया करो। जाना था मुझे ना, बुखार था ना। बुखार था ना, लोगों ने पता क्या नीचे रिप्लाई किया, कहते भाई गाड़ी में जगह नहीं थी शायद। ये आपको कैसे पता चला? नहीं मम्मा अब आप बताओ, मैं ठीक होती मैं चले जाना था, एक जगह बोर है आप टाइट हो गई तो मैं शिखा को बाल लेना, पता अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं, बिठा लेना था, हमारे पंजाबी में बोलते हैं बाल लेना था। तो मम्मा सिमरन गिल जी भी कहते हैं, कहते मम्मा जी बहुत प्यारी लगती है जब हिंदी पंजाबी मिक्स करके बोलते हैं। मतलब ये बोले तो इनकी प्यारी हो गई, हम बोले तो हमारी से गलती हो गई। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता भौंग। तो अभी आपको यकीन आ गया, हमने मम्मा को लेकर जाना था। यस। पर हुआ क्या, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अब कहीं ये कमेंट ना कर देना, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो शिखा को घर पे छोड़ के जाते, ये कैसी बेटी है। मने मतलब मुझ पर ही आना, तुमने अपना नाम ले लो, शिखा को घर पे छोड़ के जाते। नहीं बात तो सही थी वैसे, मम्मा इसको घर पे रखना चाहिए था। तो मैंने नई ड्रेस ली थी, मैंने दिखानी थी ना। मैं सच बोल रही हूँ आपको सभी को। अच्छा? मेरा बेटा अकेला कहीं नहीं जाता, मुझे सारी जगह पे नाल लेके जाता है। नाल मतलब साथ लेके जाता है, साथ लेके जाता है। एक सेकंड, मैं साथ लेकर जाता हूँ ना, याद आ गई मुझे वो बचपन वाली बात, जब मैं छोटा था, वो गुरुबख्श नगर वाले घर की बात। ये कहानी बहुत पुरानी है, तब शायद मैं बहुत छोटा था। तू तो ऐसे बोल रहा जैसे नहीं भूतों वाली कहानी नहीं होती, ये कहानी है 50 साल पहले। एक सेकंड, 50 साल का है कौन पहले बताई। मनी मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो मूवीज में होता है ना, 50 साल पहले यहाँ पर वीराना हुआ करता था। हाँ ठीक है, वो तब वीराना ही था, रात का माहौल था। मैं ये बात सबको बताता हूँ आज, आज मैं शिकायत लगा दूँ आपकी। हाँ लगा लो। लगा दूँ? बीच बीच में जहाँ मैं गलत हूँगा बोल देना, ठीक है। इतना था या इतना था? इतने लगा ले, इतना छोटा था। मैं अपनी गली के बाहर खेल रहा था, मम्मी और पापा मेरे पास आए, टाइम था दोपहर का, कहते बेटा यहीं पे रहना, कहीं मत जाना, ठीक है, हम आ जाएंगे रात को। अच्छा। ये बात कह के निकल गए। अब मैं था मतलब माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा, मैं गली के बाहर खड़ा था जब मुझे आप बोल के गए। मुझे पूरा याद है वो सीन क्या था, हम कुछ खेल रहे थे बच्चे बच्चे, ठीक है, दोपहर को शाम हो गई, बच्चे वापस जाना शुरू हो गए, मैं वहीं पे खड़ा रहा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कह के गए थे कि बेटा कहीं जाना मत, हम रातों वापस आ जाएंगे। मैं वहीं पे खड़ा रहा था ना, गाड़ियां आ रही थी, बाइक स्कूटर, मैं वहां से नहीं हिला, गाड़ियां इधर जा रही हैं, वो लोग कह रहे, कहते बीच में बच्चा क्यों खड़ा है। मैंने कहा नहीं, मेरे मम्मी पापा कह के गए हैं यहीं पे रहना, कहीं जाना मत, हम रात को आ जाएंगे।
अब मैं इतना समझदार नहीं था, बच्चे का दिमाग कितना होता है, मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि यहीं पे खड़े रहना। पूरी रात शिखा बुखार रहा, हर बंदा आ रहा था वहां पे, कहते बेटा रोटी खा ले रोटी खा ले। गली के बीच में शिखा प्लेट लेके आ रहे हैं, गली के बीच में खाना खिला रहे हैं मुझे। 2 मिनट मेरी बात सुनो, मैं कहां पे थी? तू इनके साथ ही गई थी शिखा? हाँ, मैं साथ ही गई थी। मैं अकेला, मुझे तब से प्यार मिल रहा है। तू छोटी थी ना, इतनी छोटी थी, इसकी भी बात सुनाता हूँ मैं। इतनी छोटी थी, गली के बाहर खेलने गई, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ, ऐसे घूमते घूमते आ रही है, घर के बाहर आई, कहती मम्मा मैं खिलौना लेके आई, और वो खिलौना पता क्या था? मरा हुआ चूहा। वो भी इतना मोटा। मैंने फटाफट फेंक दिया हाथ, ब्रश से अच्छी तरह साफ किया। हाय मेरे हाथ, ब्रश के साथ साफ। शिखा मेरे से दूर रहे यार, थोड़ा सा दूर रहे। तब की बात है। तो चलो एक और क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं क्या बिल्लो इनका नाम है? असल में बिल्लो कह के पापा बुलाते हैं, वैसे इनका असली नाम है ममता। ममता जैसे माँ की ममता होती है ना, मैंने ममता को ही मां रखा हुआ है। तो अभी पापा का बर्थडे भी नजदीक आ रहा है, 27 अक्टूबर को उनका बर्थडे है। हम प्लान कर रहे हैं पापा को क्या गिफ्ट दे, पर समय नहीं आ रहा है। उससे पिछले बर्थडे पर मैंने पापा को दिया था iMac, फिर उससे अगले बर्थडे पर मैंने पापा को दिया था वो टच पैड दिया था। हाँ, मुझे भूल जाता बार बार, मुझे इसलिए रखा हुआ है ना इसने। हाँ, क्योंकि इसने देना तो है नहीं है, इसको मैंने इसीलिए रखा हुआ है, जो मैं गिफ्ट देता हूँ तू याद रखा कर बस। वॉच मैंने मैं जाऊं उठ के, वो तो इसको दी है ना मम्मी, याद रखी। मम्मी ने बार बार जता रहे हैं कि लड़ाई नहीं करनी भाई से, एक दो महीने तो अच्छे निकाल, तो मैं गिफ्ट की उसके वॉच। तो अभी हम ये सोच रहे हैं पापा को अभी क्या गिफ्ट दे। शिखा इतने एप्पल के हमने गिफ्ट दिए हैं, लोगों को लगना शुरू हो गया कि हमने ऐड तो नहीं कर रहे एप्पल वालों की। पापा मतलब हमारे इतने जवान लगते हैं, मुझे आज भी याद है मैं जलंधर एक स्टूडियो में बैठा था, मुझे लगता है मैं 7th या 8th क्लास में था, तभी पापा और मैं बैठे हुए थे, तो दो लड़कियां हमारे पास आके कहती पापा को, कहती मेरी जो एक सहेली है वो आपको बहुत लाइक करती है, और वो कहती है मैंने सुदेश लहरी जी से शादी करनी है, तो आप हमें बताओ कि मैं उनको क्या रिप्लाई करूं। हाँ, पता है पापा। तो पापा पता क्या कहते? पापा कहते, मैं पास बैठा था ना, पापा कहते आप इनसे बात कर लो ये बता देगा। कहते हम इनसे बात क्यों करें? कहते आप बात तो करो, वो उन्होंने मुझे पूछा। कहते हम बताओ हम क्या करें जो रिश्ता आया सुदेश जी के लिए। मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा मैं मम्मा से पूछ के बताऊंगा। कहते मम्मा से पूछ के बताऊंगा, मैं समझी नहीं। मैंने कहा हाँ जी, मतलब मेरी मम्मा ये सुदेश लहरी मेरे फादर साहब हैं, और मैं उनकी वाइफ से पूछ के बताऊं। मम्मा इतनी शर्मिंदी हुई वो लड़की, चटका लगा होगा उसको, लगा ही नहीं ये शादीशुदा है। लगते ना पापा, लगते ही मम्मा फायदा ना उठाते हो कहीं, ये ध्यान रखा करो पापा का। डैडी के साथ जाया कर। साथ ही गया था मम्मा, तब कौन सा नहीं उनको गलती लगी। मतलब पापा हमारे इतने जवान लगते हैं। बहुत जवान लगते हैं, तेरे से तो बहुत ज्यादा। वाह, कंपेयर भी देखो किससे किया। हाँ जी पापा जवान लग रहे थे, कैसे लग रही है फिर? उस पहाड़ों का हो, आपको कहती पहाड़, अब पहाड़ इतना बड़ा होता मम्मा, नहीं मम्मा आपके लिए बहुत तारीफें आती है, मैं आपको बताता हूँ। एक कमेंट आया आपके लिए, ये देखो। मैंने पूछना था, मेरी कभी तारीफ नहीं की किसी ना, शिकायत तारीफ की लायक ही नहीं है ना। ये देखो, अनु कृष्ण नाम है, वो कहते हैं बिल्लो आंटी जी आपसे मिलने का मन करता है। जरूर जी, वेलकम, जो तो मैं तुसी आ सकते हो। ये बात हिंदी में कहते तो उनको समझ भी आ जाती। वेलकम, थैंक यू। देखो इंग्लिश में बोल दी, ओ मम्मा हिंदी में, हिंदी हिंदी वेलकम को, एक सेकंड हाँ। आपने बोला वेलकम, वेलकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? थैंक यू ना, ना ना थैंक यू भी इंग्लिश में ही है, वेलकम बोला ना आपने, वेलकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? थैंक यू, आपने मुझे याद किया। नहीं अच्छा, थैंक यू नहीं नहीं, अच्छा थैंक यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं। थैंक यू को हिंदी में तू बता। मम्मा आप इतनी बड़ी अमेरिकन लेडी तो हो नहीं, मतलब अब इनको इंग्लिश ही आती है, हिंदी तो आती ही नहीं। नहीं मम्मा अब बताओ, मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, आप वेलकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्का दूंगा। शिखा तूने शर्त लगानी? मैं नहीं, नहीं। अगर आपने सही बताया 2000 रुपया अब भी दूंगा, अभी वेलकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो फसा रहे हैं मुझे। मैंने कहा फसाना, फसाया तो आपको पापा ने है जो शादी करके बैठ गए हैं। वेलकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सफारी। वाह, ये वो वाले बच्चे हैं जिनको नकल भी नहीं आती है। थैंक यू, वेलकम, नहीं वेलकम, ये देखो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत स्वागत है, मतलब दूसरी बार भी पर्ची दिखा देता हूँ फिर भी उनको समझ नहीं आती है। स्वागत मतलब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत लालची हो।
आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आपका जब दिल करे मुझे मिल सकते हो। क्या बात है, आपके घर दरवाजे सब खुले हुए हैं। देखो कह रहे हैं आपके घर के दरवाजे सारे खुले हैं, मम्मी उनके घर के दरवाजे नहीं खुले, हमारे घर के शिका बहुत होगी। अब लास्ट कमेंट पढ़ते हैं। उससे पहले मैं कुछ बोलूं, ये इंग्लिश में है, मुझे पढ़ने दे, तेरे से पढ़ा नहीं जाना। हाँ मम्मा को तो समझ आ ही जाना ना, मम्मी मुझे आ जाती है समझ, समझ आ जाएगा मम्मी। किसी ने कहते मुझे समझ आ जाती है, हिंदी में बताओ। मम्मी पहले बेइज्जती करवा ली, सुन तो लो, बड़ा इजी है। किसी ने आपको बोला उनका नाम है रीना सिद्धू, रीना सिद्धू, वो बोल रहे हैं हाउ आई सेंड गिफ्ट फॉर योर मॉम, बस आपका प्यार ही बहुत है। मम्मी उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने भेजना, वो कहते हैं हमें आपसे गिफ्ट चाहिए। हाँ जी हाँ, बोलो बेटे क्या चाहिए आपको। वो बेटे नहीं है, हो सकता वो बड़े हो आपसे, फिर छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, बेटे आप बताओ, नहीं मैं गिफ्ट भेजूंगी। तो ठीक है आप अपना एड्रेस एसएमएस कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, मजाक अलग है, वो कह रहे हैं वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप बताओ क्या लोगे, क्या लेना। आपका प्यार ही बहुत है, बिल्कुल सही, आपका प्यार ही बहुत है, क्योंकि मम्मा को पता है अगर कोई गिफ्ट भेजा तो शिखा ने ले लेना है, तो इससे अच्छा प्यार ही ले लो। नहीं ऊपर से बोल रहे आपका प्यार बहुत, अंदर से यही चल रहा, मैंने 4 कुर्ते लिए थे, वो वाला कलर का तो मैंने मिस कर दिया, यही बोल दूं कौन सा कलर मेरे पास नहीं है, मैं ये वाला बोल रही हूं। छोटा का प्यार बहुत है। आप सबके हमें इतने कमेंट्स आते हैं, प्लीज अपने घर का एड्रेस डालो, हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। हमें कुछ ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए, आप इतना प्यार करते हो वही बहुत है, और इसीलिए हमने कभी अपने YouTube आईडी में अपना घर का एड्रेस नहीं डाला, क्योंकि हमें पता है कि आप अपना प्यार दिखाओगे हमें, पर हम यही कहते हैं कि आप इसी तरह कमेंट्स में प्यार दिखाते हो, वही हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो रीना सिद्धू जी आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद आप ऐसा करना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे 5000 सब्सक्राइबर रह गए तो प्लीज पूरे कर दो। उसके सब्सक्राइबर से मुझे याद आया, मुझे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मुझे 800 सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि वो जब 800 लोग मुझे फॉलो कर लेंगे मुझे स्वाइप की ऑप्शन मिल जाएगी। ये मेरा स्वाइप अप नहीं डाल दी यार, कब नहीं डाला मनी मैंने, मेरे को बता। वो ठीक है ऐसे पूछना, कब नहीं डाला मनी, कब नहीं डाला, सारा दिन प्याज काटती है। तो चलो दोस्तों अब बातें बहुत सारी होगी, अब कमेंट में ये जरूर बताना हमें कि पापा के लिए हम कौन सा गिफ्ट लाएं। तो मिलते हैं खर्चे के बाद।